सब्सक्राइब कीजिए वैदिक ज्योतिष चैनल को और साथ ही बेल आइकन भी दबा दी ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जय संतोषी माँ। दोस्तों स्वागत है आपका वैदिक ज्योतिष में। जानते हैं आज क्या कहती है आपकी राशियाँ, कैसा रहेगा आपका दिन। शुरुआत करते हैं आज के सुविचार से। कोई अगर आपके अच्छे कार्य पर संदेह करता है तो करने देना, क्योंकि शक सदा सोने की शुद्धता पर किया जाता है, कोयले की कालिक पर नहीं। अधूरी बात शक का कारण होती है, क्योंकि सुनने वाला अपनी कल्पना से कथन को पूर्ण करके इच्छा अनुसार अर्थ बना लेता है। इसलिए बात को स्पष्ट समझना ही बुद्धिमानी होती है। अपने लक्ष्य को हासिल करने से जो कुछ भी आपको मिलता है वह इतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना कि आप अपने लक्ष्यों को हासिल करने के द्वारा बनाते हैं। आज का पंचांग 3 अप्रैल 2021 दिन शनिवार, चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की सप्तमी तिथि सुबह 4:13 तक रहेगी। इसके उपरांत अष्टमी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। मूल नामक नक्षत्र रात्रि 2:38 तक रहेगी। इसके उपरांत पूर्वाषाढ़ा नामक नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगी। आज का राहु काल अर्थात दिन का सबसे अशुभ समय सुबह 9:25 से 10:58 तक रहेगा। आज का राहु काल अर्थात दिन का सबसे अशुभ समय सुबह 9:25 से 10:58 तक रहेगा। आज का अभिजीत मुहूर्त अर्थात दिन का सबसे शुभ समय दोपहर 12:04 से 12:55 तक रहेगा। आज चंद्रमा धनु राशि पर संचार करेगी और आज सूर्य मीन राशि पर रहेंगे। मेष राशि 3 अप्रैल 2021 दिन शनिवार, आज कर्म में आपका विश्वास और पक्का हो जाएगा। आप यह मान लेंगे कि कर्म का फल अवश्य मिलता है। आप दूसरों की तकलीफ समझते हैं। आप सबसे आगे चलते हुए अपने व्यक्तित्व की उदारता को भी नोट करेंगे। कोई आपसे मदद मांगेगा, प्रियजनों के साथ छोटी छोटी यात्रा कर सकते हैं। आज आप किसी ऐसे कार्य को अंजाम देंगे कि लोग आपके व्यक्तित्व और व्यवहार कुशलता से प्रभावित होंगे। किसी नजदीकी मित्र के साथ विशेष मुद्दे पर कोई महत्वपूर्ण विचार विमर्श भी होगा। मन में बढ़ रही दुविधा के कारण किसी भी निर्णय पर जल्दी पहुंच पाना आपके लिए कठिन हो सकता है। हर वक्त आप हर किसी को खुश नहीं रख सकते, बस इस बात को जाने और परिस्थिति से संबंधित निर्णय लेते समय क्या अधिक फायदेमंद है इस बात पर ध्यान देकर आगे बढ़ें। काम से संबंधित मिल रहे अलग अलग अवसर आपकी दुविधा बढ़ा सकते हैं। पार्टनर के साथ ठीक से संवाद न बनाए रखने के कारण उनकी भावनाओं को समझ पाना आपके लिए कठिन हो सकता है। आंखों से संबंधित इन्फेक्शन तकलीफ भी देगा, ध्यान रखें। सावधानियां, अचानक मेहमानों के आने से घर की व्यवस्था थोड़ी अस्तव्यस्त हो सकती है। संतान के शिक्षा संबंधित कार्यों में विलंब ना करें, अन्यथा एडमिशन संबंधित दिक्कतें आ सकती है। इस समय अपने पारिवारिक कार्यों को ही प्राथमिकता दें। बात करते हैं लव लाइफ की। दाम्पत्य जीवन खुशनुमा रहेगा, प्रेम संबंधों में भी भावनात्मक नजदीकियां बढ़ेगी। आप अपने प्यार को ढूंढने के लिए काफी दूर आ गए हैं, लेकिन अब तक तलाश पूरी नहीं हुई है। लेकिन आपके खास दोस्तों में ही कोई ऐसा है जो आपको प्यार करता है, लेकिन उसने आपको अभी तक इस बारे में बताया नहीं है। हो सकते उन्हें आपसे इनकार का डर हो, या वो चाहते हों कि पहले आप प्रपोज करें। उनके साथ कुछ समय और बिताएं और आपको उनके दिल तक पहुंचने का रास्ता मालूम हो जाएगा। बात करते हैं करियर की। आज्ञाकारी होना अच्छा है, लेकिन दूसरों के मुताबिक कार्य करना सही नहीं है। आप और आपके विचार सबसे अलग हैं। आपको जो सही लगे वह करें और लोगों की बातों में आने से बचें। आप अपने व्यय योजना में अपने खर्चों को कम करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि सकारात्मक वित्तीय बदलाव आए। इसलिए आगे बढ़े और योजना को अंजाम दें। बिजनेस के काम पहले जैसे ही चलते रहेंगे। पारिवारिक बिजनेस में आपसे तालमेल बनाकर रखना जरूरी है, वरना कोई बाहरी इंसान परेशानी पैदा कर सकता है
नौकरी पेशा लोगों को अपने काम करने के तरीकों में कुछ बदलाव लाना चाहिए। बात करते हैं सेहत की। आप पिछले कुछ समय से अपनी अंतर आत्मा की आवाज को उपेक्षित करते आ रहे हैं, जो आपको स्वस्थ जीवन के तरीके अपनाने के लिए कह रही है। आप हमेशा से जानते हैं कि क्या करना सही है, लेकिन कर नहीं पा रहे थे। आज आप इन पर ध्यान देंगे। आज आप अपना पूर्ण रूप से विश्लेषण करेंगे, क्योंकि अब आप और अधिक लापरवाही के मूड में नहीं है। ऐसी योजना बनाएं जिस पर आप चल पाए। अपने सेहत का पूरा ख्याल रखें। आज का उपाय, आज आप गरीबों को काले कपड़ों का दान करें, शुभ रहेगा। दोस्तों, वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। जीवन में हमेशा सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ते रहें। आपका दिन शुभ हो।